हेलो लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि कल ही मैंने मशीन को भेजा है रिकॉर्डिंग वाली को। वो किसको पता था कि आपने रिकॉर्डिंग वाली मशीन को भेजा? किसी को नहीं पता था, आपने पता था? हाँ पहले आपके रैकी करके गया हो ना तो कुछ 100%, क्योंकि मैं मम्मी एडमिट है मेरी। अच्छा, तो मैं क्या रातों को 8:30 बजे दुकान मंगल करके चला गया था खाना पकड़ाना था। तो लड़का लड़का भी काम करता है क्या, किसी को रख रखा है क्या? लड़का लड़की जैसे छुट्टी पे है, सब छुट्टी पे हैं। और पीछे मकान मालिक हैं, वो ये कह रहे हैं कि 9:30 बजे लाइट जल रही थी। जल रही थी हाँ, मतलब इसी बीच की काम, क्योंकि इधर पीछे इनका ही घर है। अच्छा, तो उन्होंने सोचा कि भैया ही बैठे होंगे, क्योंकि रात को आंधी तूफान भी आ रहे थे ज्यादा, तो उन्होंने मेरी समझ में नहीं, थोड़ा महंगा आइटम बोलेंगे इसको। हाँ लग नहीं रहा, हेलो मेरा नाम संदीप तंवर है और मेरी जो ये शॉप है सावित्री स्कूल चौराहे के पास में है, ब्यूटी गिफ्ट ज्वेलरी के नाम से। कल मौसम ख़राब होने की वजह से मैं दुकान को जल्दी मंगल कर दिया था 8:30 बजे, क्योंकि मेरी माताजी जो है एडमिट है, उनका खाना लेकर जाना था। तो कर तकरीबन मैं सुबह जब यहाँ पहुँचा 9:30 बजे दुकान खोलने, तो मेरे को कुछ संदेह हुआ क्योंकि दुकान का ताला टूटा हुआ था। उसके बाद मैंने दुकान के अंदर घुसकर देखा तो मेरा गल्ला जो है दुकान का वो सारा अस्त व्यस्त था, दुकान का सामान जो मेन था वो अस्त व्यस्त था, और कुछ जो सामान जो मेन कीमती सामान था वह कुछ भी नहीं था, सब गायब हो चुका था। और जो मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वह सब मतलब निकाली गई है ऐसे, और मेरी दुकान के अंदर जो स्टॉक था उसके अंदर फ्लावर्स पड़े हुए थे, उस कट्टे को इन लोगों ने खाली करा और उसके अंदर ये भरकर लेके गए हैं। किस तरह का सामान चोरी हुआ है जो आप बता रहे हो, कीमती सामान कैसा था? कीमती सामान एक तो जिसे जर्मन सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं जो मतलब काले नहीं पड़ते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वो उन्होंने उन्हीं को उठाया है। और जो ज्वेलरी थी जो ख़राब नहीं होती है, गारंटी पीरियड वाली होती है, उनको छेड़ा है। और प्लस मेरे जो गले के अंदर 10-12 हज़ार रुपये कैश पड़ी थी वो साफ़ हो गई है। और कुछ अभी तो मैंने पूरी दुकान को पुलिस में बिल्कुल सर शिकायत मैंने 100 नंबर कंट्रोल रूम पे फ़ोन करा है, और वहाँ से मुझे आश्वासन मिला है कि हम किशनगंज थाने की पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, फिर वे आपसे ज़्यादा जानकारी ले पाएंगे। संदीप तंवर।